एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपके पास OBD ना हो तो कैसे आप सेंसर को पता कर सकते हैं, और अगर आपके पास OBD है, कभी कभी ऐसा होता है हमारी OBD में अगर कोई प्रॉब्लम दिखाता है, अगर कोई सेंसर ख़राब हो जाता है तो हमको पता नहीं चलता है दोस्तों। तो आज मैं आपको देसी जुगाड़ बताऊँगा इस इंडिकेटर की मदद से, कैसे आप इस इंडिकेटर की मदद से पता करेंगे कौन सा सेंसर ख़राब है। तो बने रहें दोस्तों वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपके समझ में आएगी दोस्तों, बिल्कुल स्किप ना करें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इस सेंसर को, कौन सा सेंसर ख़राब होने पर हमारा इंडिकेटर जो है क्या दिखाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको पहले तो इन वायरों को हम निकाल लेते हैं, फिर आपको बताएंगे वायर के बारे में बताएंगे कैसे हम इंडिकेटर के वायर जो हैं, जो हमारा चेकअप एडाप्टर जो होता है इसका, तो इसमें कैसे हम कौन कौन से वायर लगाएंगे और कैसे हम ये सेंसर आप देख रहे होंगे, ये जो साइलेंसर पर सेंसर लगा होता है, अगर ये ख़राब हो जाए तो आप कैसे पता करोगे। OPD में क्या है दोस्तों, OPD में हर किसी मैकेनिक भाई के समझ में नहीं आती, और किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो आप हम पूरी आपको ये जानकारी देंगे। अगर जैसे हमारा साइलेंसर का अगर ये हमारा सेंसर अगर ख़राब हो जाता है तो कैसे चेक करेंगे, और अगर ये हमारा जो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जो इंजन पर जो हमारी सिलेंडर किट होती है उस पर ये सेंसर लगा होता है, अगर ये ख़राब हो जाए तो कैसे आप इंडिकेटर की मदद से कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। और देख रहे होंगे हाँ, यहाँ जो टोटल बॉडी यहाँ लगी होती है, इसका जो सेंसर जो होता है यहाँ पर, अगर ये ख़राब हो जाए तो आप कैसे पता करोगे। तो दोस्तों हम आपको इंडिकेटर सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम एक इसका सेंसर का पहले वायर निकालेंगे दोस्तों, और फिर देखते हैं इसके इंडिकेटर को लगा के कितनी बार हमारी जो लाइट है कितनी बार ब्लिंक करेगी, इंडिकेटर से हमको पता चल जाएगा कि हमारा सेंसर कौन सा ख़राब है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो साइलेंसर का जो सेंसर जो यहाँ लगा हुआ है, तो इस वायर को हम सबसे पहले दोस्तों इसको निकालेंगे, फिर देखेंगे इसमें हमारी जो लाइट है कितनी बार ब्लिंक करती है, ठीक है। तो हम इसको सेंसर को निकाल लेते हैं, सेंसर हमने निकाल लिया दोस्तों। अब इसका इंडिकेटर के वायर और समझ लें आप, अगर इंडिकेटर आप वायर लगाओगे तो कैसे हमको पता चलेगा इस इंडिकेटर की मदद से कौन सा सेंसर ख़राब है, कितनी बार ये बिलिंग करेगा, ठीक है। तो इसका हम वायर को लगा लेते हैं और आपको दिखाएंगे दोस्तों। अगर वायर आप संवार के देखें, क्योंकि अगर कोई भी वायर आपने अगर गलत लगा दिया तो इसका जो इशू वगैरह जो होती है, इसकी कॉइल वगैरह भी ख़राब हो सकती हैं, तो आप पूरी तरह से समझ लें। अब मैं आपको बता दूंगा कैसे वायर लगेंगे, कौन कौन से कलर में आपको ये वायर लगाने हैं। तो दोस्तों देख रहे होंगे हमने इसमें जो इंडिकेटर के जो वायर जो लगाए हैं, देख रहे होंगे आप इसमें जो वाइट कलर का जो वायर देख रहे होंगे बीच में जो लगा हुआ है, उसके आपके बराबर में दोनों वायर देख रहे होंगे ब्लैक कलर के जो वायर लगे हुए हैं, इन्हीं दोनों वायरों में इंडिकेटर के वायर लगा देंगे और चाबी ऑफ रखेंगे दोस्तों। चाबी ऑन जब ही करें जब हम सेंसर को चेक करेंगे, ठीक है, जब हमारा ये इंडिकेटर लगाने के बाद काम करेगा, ठीक है। तो हमने इसका इंडिकेटर के वायर जो लगा दिए हैं, अब हम चलते हैं, चाबी को ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा ये सेंसर क्या बताता है, ठीक है दोस्तों। चाबी को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो चाबी देख रहे होंगे आप, हमने ऑन कर ली है, अब ये बताएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, देख रहे होंगे आप, एक बता दिया इसने, दो तीन ठीक है, हमने 1 2 3 ठीक है दोस्तों, ये 3 बार बिलिंग कर रहा है। अगर आपका साइलेंसर वाला जो सेंसर अगर ख़राब हो जाएगा तो ये चेक इंजन जो लाइट है जो 3 बार बिलिंग करेगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा सेंसर, अगर आपकी चेक इंजन अगर लाइट जले और आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3 बार बिलिंग करेगी अगर साइलेंसर का वायर अगर ख़राब है, जो साइलेंसर में सेंसर होता है वो ख़राब हो जाता है, तो हमारी जो लाइट है 3 बार बिलिंग करेगी। और आप इंडिकेटर की मदद से करोगे तो वायरिंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, अगर कोई शॉर्टिंग वगैरह भी होगी तब भी कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो इसका हम सेंसर इसको हम लगा लेते हैं और फिर देखेंगे इसके इंजन पर जो सेंसर लगा होता है उसको निकालने पर कितनी बार बिलिंग करेगी लाइट, ठीक है।
दोस्तों आप देख रहे होंगे हमने इसका जो है इंजन पे जो इसके किट पर जो सिलेंडर किट पर जो सेंसर लगा होता है हमने उसका भी बाहर जो है निकाल दिया है। अब देखते हैं इसकी चेक इंजन लाइट क्या बोलती है दोस्तों। तो एक एक आप चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कितनी बार पर कौन सी चीज़ ब्लिंक करती है। ठीक है, देख रहे होंगे हमने ये जला दिया है। तो दोस्तों देख रहे होंगे ये जो हमने जो इस इंजन का जो सेंसर निकाला है तो इस पर देख रहे होंगे इस पर लाइट जो है ब्लिंक नहीं करती है। एक संग ऑन करोगे ना तो देखोगे आप तो इस पर कोई ब्लिंक नहीं होगी, ये जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगी, यानी ऑन की जगह पर ऑफ हो जाएगी, कोई ब्लिंकिंग नहीं आएगी। अगर आपका ये वाला इंजन का जो सेंसर अगर ख़राब हो जाएगा तो आप जैसी जो मैंने बताया इंडिकेटर जैसे आप लगाओगे तो और चाबी को ऑन करोगे तो देखोगे जैसे हम चाबी को ऑन करेंगे, अब दोबारा आपको और दिखा देते हैं। तो इस चाबी को ऑन कर लेते हैं तो देख रहे दोस्तों आप ये लाइट जलेगी और ये बंद हो जाएगी, फिर ये जलेगी नहीं। तो आप अगर इंजन का सेंसर ख़राब हो जाता है तो आप ऐसे करके इसको चेक कर सकते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों हमारी जो आपका सेंसर ये तो हो गया देख रहे होंगे आप, अब इसका भी हम सॉकेट लगा लेते हैं और अब देखेंगे दोस्तों इसका जो थ्रॉटल बॉडी में जो सेंसर लगा होता है उसकी लाइट जो है कितनी बार ब्लिंक करेगी। ठीक है, तो इस सेंसर को भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो थ्रॉटल बॉडी पे सेंसर लगा होता है तो उसको भी हम सॉकेट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये देख रहे होंगे ये इसका सेंसर है जो ब्लैक कलर का होता है, ये इसमें एक ग्रीन कलर का भी होता है, लेकिन आप जो है ब्लैक कलर का ही इसमें सेंसर होता है, ब्लैक कलर का भी सॉकेट होता है। तो इस सॉकेट को बाहर निकाल लेंगे। तो हमने इसका जो सॉकेट है बाहर निकाल लिया है दोस्तों। अब देखते हैं हम ऊपर कितनी बार जो हमारा ये ब्लिंक करेगा। ये देखते हैं एक दो तीन चार पाँच छः, तो दोस्तों देख रहे होंगे ये छः बार ब्लिंक करा। दोबारा चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, आपने देखा होगा ये छः बार ब्लिंक करेगा। अगर आपका टोटल बॉडी का सेंसर अगर ख़राब हो जाता है तो वो छः बार ब्लिंक करेगा दोस्तों। तो इसमें देखा होगा आपने जो इसके सेंसर थे, अगर आपके कोई भी सेंसर ख़राब हो जाएगा तो आप ऐसे करके इसको चेक कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपके पास OBD है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। OBD में कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमको प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आप इंडिकेटर की मदद से आप इसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसके सारे सॉकेट लगा दिए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।